नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 1,30,00,000 के पार होने के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेताया है। संस्था ने कहा है कि अगर बुनियादी बातों का पालन नहीं किया गया तो यह संकट बद से बदतर होता जाएगा। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसिस ने कहा है कि दुनिया के कई सारे देश कोरोना से निपटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं और इससे साबित होता है कि जिन एहतियात और उपाय की बात की जा रही है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। WHO ने क्या कहा? सोमवार को जिनेवा में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर के नेता जिस तरह से महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। कोरोना वायरस अब भी लोगों का नंबर वन दुश्मन है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारें इसे लेकर जो कदम उठा रही हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि वे इसे किसी गंभीर खतरे की तरह ले रही हैं। उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क पहनना इस महामारी से बचने के कारगर तरीके हैं और इन्हें गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। उनका यह भी कहना था कि दुनिया के कोरोना से पहले वाले सामान्य हालात में लौटने के अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। WHO के आपातकालीन निदेशक माइक रायन ने कहा कि अमेरिका में लॉकडाउन में ढील और कुछ इलाकों को खोलने से संक्रमण और तेजी से फैलने का डर है। दुनिया को लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ खास जगहों पर लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया कि वे स्पष्ट और मजबूत रणनीति अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक भी इसकी गंभीरता को समझें और गाइडलाइंस का पालन करें। वैक्सीन को लेकर क्या कहा? डॉक्टर रायन ने कहा, हमें वायरस के साथ कैसे जीना है और इसे सीखना होगा। यह उम्मीद करना है कि वायरस को खत्म किया जा सकता है या कुछ महीनों में प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, ये सच नहीं है। उन्होंने कहा, अभी तक पता नहीं है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वालों में इम्यूनिटी बन रही है या नहीं। अगर बन भी रही है तो ये नहीं पता कि कब तक प्रभावी रहेगी।